ओके गाइस, सो देयर इज ऑसम क्वेश्चन। इसको हम डील करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो हमने कंसेप्ट सीखा है उसमें इसको अप्लाई करते हैं और बड़े तरीके से देखते हैं कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को डील कर सकते हैं और उसको सॉल्व कर सकते हैं अपने तरीके से। ठीक है, तो क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ लिया जाएगा। पहले बहुत ध्यान से आप पढ़ना है, आपने डायग्राम की अंडरस्टैंडिंग करनी है और कंसेप्ट समझना है कि कौन सा कंसेप्ट आप इसमें यूज करने वाले हो। ठीक है, सो जल्दी से मैं रीड कर लेता हूं। उसने बोला है रबर बॉल एस्केप फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल रूफ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। एक हॉरिजॉन्टल रूफ है, ये आप देख सकते हो, यहाँ पे एक रबर बॉल है और उसकी वेलोसिटी दे रखी है 5 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज योर बॉल, रबर बॉल है आपके पास। ठीक है भाई, और बाकी सिचुएशन आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। द रूफ इज सिचुएटेड एट ए हाइट ऑफ 20 मीटर। ऑब्वियसली ग्राउंड से रूफ की जो हाइट है वो 20 मीटर है। इफ द लेंथ ऑफ द कार इज इक्वल टू 4 मीटर, इफ लेंथ ऑफ ईच कार, एक्चुअली ये जो कार है इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर है, ये भी 4 मीटर, ठीक है, ये वाली भी 4 मीटर एंड दिस इज ऑल्सो 4 मीटर, दिस इज ऑल्सो 4 मीटर एंड सो ऑन। ठीक है, चलो भाई, फिर वो बोल रहा है ओके विद विच कार विल द बॉल हिट। ठीक है, इफ द लेंथ ऑफ द ईच कार इज दिस, तो जो बॉल है जब वो यहां से फेंकने के बाद नीचे गिरेगी तो कौन सी कार को हिट करेगी। दिस इज योर फर्स्ट कार, सेकेंड कार, थर्ड कार, फोर्थ कार एंड मैंने और भी लिख दिया है, वैसे डायग्राम में फिफ्थ कार नहीं दी गई है बट मैंने लिख लिया। ठीक है, तो वो बोल रहा है कि यहां से फेंकने के बाद जब बॉल नीचे आएगी तो कौन सी कार को हिट करेगी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया बॉस, ठीक है ना, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बन गया। अब आप ध्यान से देखो, आपके दिमाग में तुरंत क्या आना चाहिए कि यार सर जब वो बॉल यहां से नीचे आएगी, जब उसको फेंकेंगे हम, तो फेंकने के बाद जो नीचे आ रही होगी तो देखना पड़ेगा कि वो कहां गिरेगी, मतलब वो मैक्सिमम कितनी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगी, मतलब हम उसकी रेंज निकाल लेते हैं, उसी से हम आइडिया लगा सकते हैं। ठीक है, समझ गए आप क्या कह रहे हो। पहले ये देखो कि फेंकने के बाद ग्राउंड पे कितनी दूर गिरेगी। सपोज करो एक्स डिस्टेंस, एक्स मैक्सिमम डिस्टेंस कवर की ग्राउंड पे, आर डिस्टेंस अवे, तो उसकी रेंज आपको निकालनी पड़ेगी, उसी से आप आइडिया लगा सकते हो बॉस किस बॉल को वो हिट करेगी, क्योंकि हर कार की लेंथ दे रखी है। अगर सेकंड को हिट करेगी तो भाई 8 मीटर पे गिरनी चाहिए, अगर थर्ड को है तो 12 मीटर पे गिरनी चाहिए या फिर 16 पे गिरनी चाहिए, समझ गए। तो पहले रेंज निकालो, तो रेंज कैसे निकालते थे, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इनटू टोटल टाइम टेकन, अभी अभी किया हमने, और जिस वेलोसिटी के साथ हॉरिजॉन्टल इसको फेंका गया वो दे रखी है 5, तो रेंज आ जाएगी इसकी 5 और टाइम ऑफ फ्लाइट आप सबको पता है अंडर रूट 2h/g, तो भाई r इज इक्वल टू आ गया 5 अंडर रूट में 2h, कितना है सर, बिल्डिंग की हाइट है 20/10, ये हो गया कैंसिल, 2 to 4 2 बार आएगा, तो आप इसको देख सकते हो 5 into 2 to 4 यानी 2 ही रहेगा, देखो रूट से बाहर 2 आएगा तो ये आ जाएगा आपका 10 मीटर। ठीक है, दिस इज योर रेंज, यानी उसकी जो मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है जो ग्राउंड पे नीचे कहीं गिरेगा जाके, वो ग्राउंड पे अपनी बिल्डिंग से या जहां से फेंका गया उसको रूफ से, उससे 10 मीटर अवे गिरेगा। तो अब आप चेक कर लो कि वो किस कार को हिट करेगा कार की लेंथ के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखो पहली जो कार है उसकी यहां से यहां तक डिस्टेंस है 4 मीटर, फिर इसकी 4 मीटर, ये तो हो गया 8, लेकिन वो गिरा 10 पे, तो सेकंड को तो हिट नहीं करेगा, ना फर्स्ट को हिट करेगा ना सेकंड को हिट करेगा, वो 10 पे है। अगर मैं यहां से आगे भी 4 और ऐड करूं तो ये 12 आएगा, यानी यहां पे आएगा 12। ठीक है, ये 12 तक जा रहा है और वो 10 पे गिर रहा है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो जो 10 है वो 8 और 12 के बीच में है ना, जो 10 है वो 8 और 12 के बीच में है, तो पक्का वो जो बॉल आएगी इस तरीके से वो कहीं ना कहीं थर्ड को हिट कर रही होगी। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हो जो रेंज है, जो रेंज आ रही है वो 8 से तो ज्यादा है लेकिन 12 से आपकी कम है, क्योंकि वो 10 मीटर आ रही है, 10 मीटर, तो रेंज इस रेंज में जो आपकी मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बॉल कवर कर रही है वो 8 मीटर, यानी पहली 2 कार की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस और टोटल तीन कार की लेंथ के इक्वल डिस्टेंस को कवर कर पा रही होगी। सो आप देख सकते हो यहाँ पे 12 है, यानी वो 12 मतलब जब वो कार इसको क्रॉस करेगी तो 12 है, तो कहीं ना कहीं वो थर्ड कार को हिट कर सकती है, तो यू कैन से थर्ड जो कार होगी, ठीक है, थर्ड कार को वो हिट करेगी, दैट बॉल विल हिट द थर्ड कार, यू कैन से देयर इज अ पॉसिबिलिटी। चेक कैसे करना है, 8 से ज्यादा है और 12 से कम है, ठीक है, 8 से ज्यादा 12 से कम, तो मतलब उसके बीच में कहीं ना कहीं थर्ड कार आएगी और उस पर जाके वो टकरा जाएगी। तो बेसिक सा कंसेप्ट है, उसमें किसी भी तरीके से आपसे बातें कर सकता है और आपसे क्वेश्चन बनवा सकता है,